हे गाइस व्हाट्सअप। और आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन की मदद से एक ऐसा फाइल बनाने वाले हैं कि अगर उसको कोई चला दे तो फिर उसी फोल्डर में आपको इनफाइनाइट फोल्डर मिल जाएगा। ये हम लोग लूप की मदद से करेंगे और मैं अभी इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि उसकी exe फाइल बनाकर अपने किसी दुश्मन दोस्त से बदला लेना हो तो फिर उसको उसमें पेस्ट कर दे। स्टार्टअप में अगर आप पेस्ट कर दे तो फिर उसके स्टार्टअप में ही ढेर सा फोल्डर बन जाएगा, फिर उसका कंप्यूटर हैंग करने लगेगा। तो फिर चलिए बताता हूँ मैं इसको बनाते कैसे हैं। तो फिर मैं तो कहूँगा कि इसका मिसयूज़ प्लीज़ मत कीजिएगा। 50 सब्सक्राइबर स्पेशल मैं ये बना रहा हूँ वीडियो। अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक जगह मैं आपको ले जाना चाहूँगा। तो फिर मैंने अपना ब्राउज़र खोला हुआ है और देख सकते हैं ये सुंदर सा इंटरफेस आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप वीडियोस में जाएंगे तो फिर आपको ऐसी ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको ढेर सारी नॉलेज मिलेगी। यहाँ पे पाइथन ओपनसीवी मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल है, इनविजिबल फोल्डर बनाना मैंने सिखाया है, और इसके ऊपर आइए तो फिर यहाँ पे देखिए गेम डीरेक्स को मैंने ऑटोमेट किया है। आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। हाँ वीडियो ये लंबी है पर देख लीजिएगा, और ये भी बहुत सी वीडियोज़ हैं आप आराम से देख लीजिए। और अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो फिर आप क्या कीजिए कि ये जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए इसका कलर बदल गया, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और ये घंटी टाइप का आइकन दिख रहा है, ये बेल आइकन मैं कहूँगा, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें आ रही हैं, आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मेरी जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपको मिल जाएगा। और ठीक है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कोई एक फ़ोल्डर चुन लीजिए। मैंने भी एक फ़ोल्डर चुन लिया है, देखिए मैंने इसको टेस्ट किया है तभी मैं बता रहा हूँ। और मैं सारे फ़ोल्डर डिलीट कर दे रहा हूँ, और अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ इनको। तो फिर देखिए मेरा कंप्यूटर पर कितना स्लो रिस्पॉन्स मिल रहा है, अभी रिसाइकल बिन में जा रहा है। और अभी देख लीजिए कितने फ़ोल्डर मैंने बनाए हुए हैं, 6309। ये सिर्फ 3 सेकंड में इतने फ़ोल्डर मैंने क्रिएट कर दिए थे अपने आप। तो फिर देखते हैं, ये ऐसे नहीं हो रहा तो फिर इसको मैं बाद में डिलीट कर दूँगा। मैं नया फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे मैं नाम रखूँगा फोल्डर। और इसके अंदर कुछ नहीं है तो फिर इसके अंदर हम लोग नई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और फाइल सेव एज, इसका नाम रखेंगे फोल्डर क्रिएटर, फोल्डर क्रिएटर डॉट पाई। ये हो गया, क्रिएट हो गया फोल्डर क्रिएटर। और अब इस फोल्डर क्रिएटर में हम लोग अपना कोड लिखने वाले हैं, और इसको आइडियली से खोल लेते हैं। और अब चलिए कोडिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसमें सिर्फ एक ही मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो है इसका इनबिल्ट मॉड्यूल बस। अब एक लूप चलाते हैं वाइल वन, इसके अंदर क्या होगा कि ओएस डॉट, ओएस का एक एट्रीब्यूट है जिसको कहते हैं MKDIR, इसका एक फंक्शन। अब इसके अंदर आपको देना रहता है पाथ जो बनाते हैं, आप इसका वही पाथ दे सकते हैं जिसमें यह है। तो मैं यहाँ पे दूंगा मैं आई डॉट पाई बनाऊँ, मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे आप करना क्या है कि स्ट्रिंग ऑफ आई लेंगे प्लस डॉट पाई, मैं बताता हूँ ये क्या किया हूँ मैं। अब कहेंगे कि इसमें कहीं आई तो दिख नहीं रहा, तो फिर यहाँ पे आई नाम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देंगे जिसकी वैल्यू होगी आई इज इक्वल्स टू 1। और अब लूप के अंदर ही हम लोग क्या करना है, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू 0 कर देते हैं। तो फिर 1 से लेके जितने फोल्डर बनने हैं बन जाएगा। अब देख लीजिए कि अब देख इसको जैसे ही मैं रन करूँगा इसमें ढेर सारे फोल्डर बनना शुरू हो जाएंगे। तो फिर एक बार रन कर देते हैं, पहले इसको मैं रिव्यू कर दूँगा। और ये अब देखिए इसको आप अगर रन कर दें तो फिर आप देखते जाइए। और यहाँ पे ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं फाइल बना रहा हूँ, अब सही है, मैंने डॉट पाई जोड़ दिया, गड़बड़ कर दिया, अगर ध्यान कहीं और था। और पता नहीं यहाँ पे कितने फोल्डर बन चुके हैं, देख लीजिए कितने फोल्डर बन चुके हैं,
मैं काम करता हूँ कि इसके ऊपर से इन सबको सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और इसको फोल्डर क्रिएटर को मुझे डिलीट नहीं करना, इसको पहले मैं कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर देता हूँ। ये क्या कॉपी हो गया, इसको मैं कॉपी करूँगा और कहीं पेस्ट कर दूँगा। और एक और बात, गलती से भी इसको अपने डेस्कटॉप पे मत चला दीजिएगा, नहीं तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि आपका ये जो पूरा ये दिख रहा है पूरा का पूरा फोल्डर से भर जाएगा और मैं ये गलती करने नहीं वाला हूँ। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये बात हुई फोल्डर इनफाइनाइट फोल्डर बनाने की, फिर से रिसाइकल बिन कर रहा है, तो फिर इतना सारा मल्टीपल आइटम को परमानेंटली डिलीट नहीं कर पा रहा है, तो फिर पहले तो ये करना पड़ेगा। तो फिर देखिए इसकी exe फाइल कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले शिफ्ट दबाएंगे और ओपन कमांड विंडो हियर करेंगे। ओपन शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करके कमांड विंडो को खोलेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है, सबसे पहले तो आपको एक मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पाई इंस्टॉलर। अब मैं इसकी exe फाइल बना रहा हूँ, तो फिर सबसे पहले लिखना क्या होगा, पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर। और अभी पता नहीं क्यों मेरा पीसी वो बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रोसेसेस होने लगे, देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत मल्टीपल फाइल है। और देख लीजिए 63 बाइट्स, 5455 आइटम्स डिटेक्टेड। तो फिर यहाँ पे देखिए मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखाएगा। तो फिर मैं सबसे पहले क्या करना है कि आपको उसी में अपना खोल लेना है, अपनी जिस डायरेक्टरी में आपने इसको बनाया है। तो फिर मैं यहाँ पे कहूँगा, देखिए सबसे पहले तो इसको एक काम करना होगा कि फोल्डर क्रिएटर को ओके में आप डाल दीजिए। मैं इसी में डाल देता हूँ। और आप सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए फोल्डर क्रिएटर आपको मिल गया। अब क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबा के ओपन कमांड विंडो हियर करके खोल देंगे हम लोग। और यहाँ पे क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ, पाई इंस्टॉलर डॉट सॉरी पाई इंस्टॉलर, इसके आगे आपको अपना फोल्डर क्रिएटर लिखना है, फोल्डर क्रिएटर डॉट पाई। अब देखिए ये स्टार्ट कर देगा उसका वो इसका exe फाइल बनाना ये शुरू कर देगा। देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अभी ये हो रहा है हो रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं, यहाँ पे वार्निंग्स भी आती हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है, इन्फो 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 इन्फो, तो फिर इन सबको ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये बन रहा है बन रहा है, देख सकते हैं ये देखिए पूरा बन गया। और अब सबसे ऊपर आना है, और सबसे ऊपर नहीं यही नीचे है, तो फिर आपको एक डिस्ट और बिल्ड नाम का ये दो मिल जाएंगे। फोल्डर क्रिएटर में आपको फोल्डर क्रिएटर की देखिए exe फाइल मिल गई, ये बाईस को रन करके देख लेते हैं। कुछ नहीं हुआ, देखिए ये वाला काम नहीं करेगा, मैं बताता हूँ कौन वाला काम करेगा। और बैक आ जाइए, आप बिल्ट वाला चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, वैसे इसमें कुछ तोप चीज़ नहीं है। बिल्ड की जगह आप आइए डिस्ट में, फोल्डर क्रिएटर। अब देखिए यहाँ पे आपको इसकी exe फाइल मिल गई, ये रही इसकी exe फाइल। अब फोल्डर क्रिएटर को जैसे ही रन करेंगे इसमें इनफाइनाइट फोल्डर बन जाएगा। ये देखिए पता नहीं कितने फोल्डर बना दिए यार, देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और अगर मैं इसी को कंप्यूटर में रन कर देता हूँ तो फिर ये पूरा भर जाएगा, तो फिर ये गलती मत कीजिएगा। हाँ ये मज़ेदार चीज़ है, वीडियो अच्छी लगे तो फिर यार ये कोई भी वीडियो चला के देख लो, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये देखो लाइक बटन है, मैं यहाँ से लाइक कर देता हूँ। और यार लाइक कर दो, और इसके साथ साथ
वही फिर से मैं कहूँगा कि वही काम करो यार, ये वाला ये ना करना, ये करना और ये भी, बस यही मेरी इतनी रिक्वेस्ट है यार। 50 सब्सक्राइबर हो गए हैं, थोड़े और बढ़ा दो। तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब और भी क्या बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।